प्रॉपर्टी पेपर्स ढूंढते हैं। किधर? अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहे हो? वो उठ जाएगी। ये एक डेढ़ घंटे तक नहीं उठने वाली है। ऐसे ऐसे चुप चुप के रोमांस करने का मजा ही अलग है। सोने लग रहे सरदार जी? तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। फिर इस गेटअप में किस तो बनती है। क्या हो रहा भैया? इंटरव्यू के लिए आए हैं। पता लगा कि मेम साहब को यहाँ पर नौकर की जरूरत है। इसकी आंखें तो सच में हमारा पत्ता गुल कर रही है। आप सिफारिश कर दो ना हमारी। सिफारिश तो मैं जरूर करूंगा, मगर किसी और के लिए। नेक्स्ट। हाँ, बुलाया हमको। नमस्ते। नमस्ते। पेपर लाए हैं? हाँ हाँ, ये लीजिए पेपर। ये क्या है? कूड़ा कूड़ा। क्यों इडियट, ये कॉफी टेबल है मेरा, कूड़ा रखने की जगह नहीं है। हटाओ इसे, निकलो यहाँ से। आउट। मॉम, अब क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो नए सर्वेंट्स के लिए? गुलाब और लकी है ना, जस्ट चिल। आई नो बिन्नी, पर मैं गुलाबो और लकी से एक थोड़ा ट्रेन नौकर रखना चाहती हूँ। रश्मि बेटा, मैं जो कर रही हूं ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूं। नेक्स्ट। नमस्ते। माली हैं आप? मुझे कुक की जरूरत है। माली रख के क्या करूंगी, निकलो यहां से। जॉब क्या है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। करना क्या अर्जुन? चल चल अंदर तो चल। नेक्स्ट। नमस्ते। नाम क्या है? मैं मोहन। कहां से आए हो? मैम इधर ये बस से। चार आप पेपर लाए हो? क्या क्या बना लेते हो? भैया जी, मैडम में थोड़ी मेंटल है, बीच रात को घंटी बजाती है। पूछो क्या बात है तो डरावने चेहरे बनाने लग जाती है। क्या पागल है ये? नहीं, मुझे नहीं काम करना भैया। क्या मोमोज अच्छे बना लेते हैं? चीनीज, जापानीज, बदतमीज, थोड़ा वो, सॉरी प्लीज। हम सब सब बना लेते हैं मैडम, हम अच्छा बना लेते हैं। मॉम, ये सही लग रहा है मुझे। बिन्नी, क्या सही है और क्या गलत, ये तुम अपनी मॉम पे छोड़ दो। हाँ तो और क्या क्या काम कर सकते हो? पता है क्या है,
एक भी गलती कर दो पैसे काट लेती है। नाम बड़े दर्शन छोटे हैं। क्या बताऊं? रात को चुड़ैल बन जाती है, पांव उल्टे हो जाते हैं इसके। एक काम करो, कल से ज्वाइन करो। एक मिनट, ये तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? सोचो इतना काम करते हैं, एक वक्त का खाना भी नहीं देती, क्या बात होगी? नहीं करना ऐसा काम, जहाँ कुछ खाने का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नौकरी करके क्या फायदा काका? चलो तुम भी, जहाँ भूखे मरना पड़े। ए मुखिया, तू भी चलना भाई, चल भाग यहाँ से। थोड़ी हमको ना उधर होती है, दिन में दो तीन बार ऐसा खुजली होती है, हम दवाई ले रहे हैं। चुप! उठो, उठो, गेट आउट। नेक्स्ट। ओ भैया, चुड़ैल के यहाँ काम करने जा रहे हो, डर नहीं लगेगा? हमें क्या, हमें जहाँ अच्छा पैसा मिलता है हम वही काम करते हैं, मिलने में क्या जाता है? मैं तो मैडम से मिल कर ही जाऊंगा। नेक्स्ट। इसकी आंख, भाई बिन्ने के खातिर यहाँ रुकना पड़ेगा, इसने कहीं किसी और को काम पे रख लिया, कांड हो जाए। मैडम से तो तुम मिली लोगे, तो उसके बाद क्या होगा ये अर्जुन तय करेगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते, पेपर लाए हैं? जी मैडम। पांच तरह का कुजीन बना लेते हैं आप? जी मैडम, अच्छे से बना लेते हैं। इंप्रेसिव बिन्नी। अरे हम झाड़ू पोछा सब लगा लेते हैं, घर की सफाई से लेके हाथ की सफाई तक सारा काम कर लेते हैं मैडम। मतलब मेरा मतलब अच्छे से सब कुछ साफ कर देते हैं मैडम। अरे पालर वाला, अब पकड़ में आया तू, 10 दिन से फरार ना तू? अरे ये पुलिस को परेशान कर रखा है तूने। एक मिनट, क्या किया इसने? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। झूठ बोल रहा है मैडम, ये बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत सादर आदमी है ये। आपको पता नहीं है ये घर के मालिक को और सबको बांध के सब माल साफ करके जाता है, तभी आपको बोल रहा था, बहुत अच्छी सफाई करते हैं हम। अभी मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, ये देखिए, ये क्लोरोफॉर्म, ये सबको सुंघाता है, पूरे घर को बेहोश करके और सब माल लेके भाग जाता है। तेरी सफाई तो मैं करता हूँ, चल। मैडम, अरे अरे इंटरव्यू के लिए इतने सारे नौकर बुलाए थे, कहाँ हैं सब? हमारे मैडम सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लकी जी, कितने लकी जी, लकी जी कहाँ चली गई जिया? ना कमरे में है, ना बाथरूम में है, फोन भी नहीं उठा रही, बता के भी नहीं गई। किचन में होगी, किचन में। मैडम जी, तो लकी जी को देखा नहीं, नहीं दिखी नहीं रहे। लकी के बिना अपने आप को बहुत अनलकी फील कर रही हूँ। बाहर भेजा है मैंने उसे, अब घर में एक ही मर्द है ना, बाहर के काम तो वही करेगा। हाँ जी, पर वैसे तुम लोग और एक दिन रह सकते हो, निन्नी की तबीयत की वजह से, वरना अगर मेरा बस चलता तो आज ही तुम्हें यहां से निकाल देती। ए,
कहाँ जा रही हो? काम है जी, काम। खाना बनाने का टाइम हो गया है गुलाबू, खाना बना दो। और हाँ, खाना बनाने से पहले मेरे लिए एक कप मसाला चाय। नहीं सॉरी, नहीं नहीं बना सकती ना। क्या है, जब तक मैं शाम को लक्की जी का चेहरा ना देख लूँ ना, शाम का चूल्हा नहीं जलाती, ना कुछ बनाती हूँ ना पिलाती हूँ। हूँ आई के कपड़े। अरे 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 अरे, संभल कर गुलाबू, आदत नहीं होगी ना ऐसे कपड़ों की। मेरा मतलब है, अभी अभी शादी हुई है और ऐसे हैवी सूट्स, दिक्कत होती रहेगी। नहीं कोई नहीं, ये लक्की जी के कपड़े, ये सामान सब नीचे था, अपने कहाँ भेज दिया लक्की जी को? कितने बुरे दिन आ गए हैं ना मेरे। अब नौकरों की पत्नियों को बताओ कि उनके पति कहाँ हैं। जा बिन्नी के कमरे में, उसके कमरे की साफ सफाई कर रहा है वो। अच्छा, थैंक यू। शुक्र है तुम यहाँ हो। कब से तुम्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, जान निकल गई थी मेरी, पता के तो जाती ना मुझे। अरे कपड़े क्यों रखे हुए हैं बाहर? जिया, जिया, प्रॉपर्टी में बस ढूंढते हैं। इतनी बड़ी चार बहरूपिये बनकर आए हैं दोनों मेरी बेटी को मेरे खिलाफ करने के लिए। अब नहीं छोड़ूंगी मैं इन दोनों को। तुम दोनों चार कदम आगे बढ़ो, लेकिन निशा का आधा कदम काफी है तुम दोनों को मात देने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि कल प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए मैंने मना कर दिया, वरना बिन्नी का विश्वास मुझ पर से उठ जाता और वो लड़की हमेशा के लिए मेरे खिलाफ हो जाती। उसे तो मैं इमोशनली ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी अपने नाम तो करवा ही दूंगी, तब तक ये मदर इंडिया का ड्रामा मुझे जारी रखना होगा। बहुत जल्द मैं अपना अगला वार करूंगी अर्जुन और जिया, तब तक तुम दोनों अपनी खैर मनाओ। निश, यू आर द बेस्ट। जिया तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वाव अर्जुन,
बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो तुम। धोखे पे धोखा। वेल डन। इन्हीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, धोखा कोई और दे रहा है तुम्हें। मुझे शट अप। मॉम वाज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही बोल रही थी वो। इसका मतलब निशा को शुरू से पता था कि जी और मैं लकी और गुलाबो नहीं है। खेल हम नहीं, वो खेल रही थी हमारे साथ। पिनी, ये लकी के कपड़े हैं, इसे पहन लो। पर मॉम, ये कपड़े क्यों? सरप्राइज अगर पहले ही बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे रहेगा? जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। सही कह रही थी मॉम। बचपन में उस जानवी ने मुझे और मॉम को पापा से दूर कर दिया, और इस जन्म में जिया तुम्हें और मॉम को दूर कर रही है। बचपन में तुमने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, और अब फिर से वही कर रहे। ये बात सुनो ना, निशा तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। बचपन में भी वही करती थी वो। तुमने अपने पापा की डायरी पढ़ी ना? ओ जस्ट शट अप। बिन्नी, निशा आदि की पत्नी बनने के लायक थी नहीं, ना तुम्हारी माँ बनने के लायक। तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? चुप हो जाओ। तुम्हें और जिया को तो मैं इस घर से अभी की अभी बाहर निकलवाऊंगी। बिन्नी प्लीज, बिन्नी तो मेरे रास्ते से रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? तुम कहीं नहीं जा रही। अर्जुन, बिन्नी छोड़ो मेरे हाथ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें मैं बाद में समझा लूंगा, पहले निशा नागिन से निपट लूं। अब तक यहीं रहो तुम। अर्जुन! अर्जुन! कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम पागल हो क्या निशा? आवाज नीचे। आवाज नीचे अर्जुन। और क्या लगा तुम्हें? फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। इस तरह दोनों बेरुपये बनकर आओगे और मुझे पता नहीं चले? बहुत प्यार करते हो तुम अपनी जिया से। सोचो ना अर्जुन, क्या होगा अगर जिसे तुम इतना प्यार करते हो जिया के प्यार में अंधे हो ना, कैसा होगा अर्जुन अगर मैं तुम्हारी जिया की आंखें निकाल कर उसे अंधा कर दूं?
या उसे मार कर उसके फोटो पर हार चढ़ा दो। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी एक काम